हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिण नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपनी पीडियाटिक नर्सिंग में नेक्स्ट टॉपिक को ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक में हम थोड़ा जो ब्रेस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा पढ़ लेंगे। इसके साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं, टेक्निक है, इसके जो कंपोजिशन है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, किन केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग को क्या माना गया है? गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों माना है? क्योंकि अगर हम कुछ ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कुछ एरियाज़ को पढ़ें, कुछ पॉइंट्स को देखें, तो सारे एरियाज और सारे पॉइंट्स आर्टिफिशियल फीडिंग के ऊपर भारी पड़ते हैं। ठीक है, ये एरियाज हम अभी टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो इसलिए क्या बोला गया है कि जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल जो फीडिंग है उसके ऊपर भारी पड़ता है, उससे ज़्यादा एडवांटेजियस है बच्चे के लिए। सेकेंड चीज़ क्या है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मिल्क है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, प्लस दूसरा मैंने क्या बोला, एक कॉम्प्रिहेंसिव मिल्क होता है बच्चे के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव मिल्क क्या है कि इसमें सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे वो प्रोटीन्स हैं जो बच्चे को ग्रोथ के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अगर बच्चे को सिर्फ जो ब्रेस्ट फीड ही कराया जाए 6 मंथ तक, कोई कुछ और भी ना दे, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है बच्चे की वो पूरी करता है। इसलिए क्या इसको कॉम्प्रिहेंसिव फूड बोला गया है। ये बच्चे के लिए एक बेस्ट जो फूड है वो माना गया है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है। इसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है कब स्टार्ट करनी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग अगर हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी है, ठीक है, तो विद इन हाफ एन आवर से 1 आवर के बीच में स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर नॉर्मल डिलीवरी है। ठीक है, और अगर सिजेरियन डिलीवरी है, सिजेरियन डिलीवरी है तो कितने, विद इन 4 आवर्स के अंदर, ठीक है, 4 आवर्स के अंदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी है तो हाफ एन आवर से 1 आवर के अंदर अंदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवा देनी चाहिए बच्चे को। ठीक है, तो ये हमारा जो नॉर्मल जो शेड्यूल है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है, जो मदर पर डे कितना सिक्रेट करती है, 500 to 600 ml पर डे ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है। ठीक है, सिक्रीशन, तो ये पर डे होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि जो बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ तक क्या है, एक्सक्लूडिंग जो है, सॉरी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही देना है 6 मंथ तक। ठीक है, 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए, उसके अलावा किसी और तरह का न्यूट्रिएंट्स, किसी और तरह का खाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के अलावा ना उसको कोई पानी भी नहीं देना है, ना हनी देना है, ठीक है, घुट्टी कुछ भी नहीं देने की ज़रूरत होती। सिर्फ अगर हम ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दें तो वही उसके लिए पूरा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, उसके बाद हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको खाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ब्रेस्ट फीडिंग में है क्या है कि जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग का जो पर्पज़ है, ठीक है, अभी हमारा जो मेन जो इंट्रोडक्शन है वो हमने ले लिया। ब्रेस्ट फीडिंग हम अप टू 2 ईयर्स करा सकते हैं, अप टू 2 ईयर्स बच्चे को करवानी चाहिए। ठीक है, 6 मंथ तक तो एक्सक्लूसिव करवानी है, बिल्कुल मीन्स एक्सक्लूसिव मीन्स मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना। और 2 साल, जब तक बच्चा 2 साल तक नहीं हो जाता उसको हम ब्रेस्ट फीड मदर को करवानी चाहिए। ठीक है, ब्रेस्ट फीड और उसके साथ साथ जो भी अदर फूड है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड है, वो भी उसको साथ में देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जो मेन पॉइंट्स होंगे, जो जनरल पॉइंट्स हैं जो सभी को पता होनी चाहिए, वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी जो फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, जो लैक्टेशन का जो प्रोसेस है कि जो मिल्क किस तरह से सिक्रीट होता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन किस तरह से होता है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो है प्रोसेस है वो है फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, इसे समझने से पहले भी जो ये हमारा इधर क्या बना हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, एक ब्रेस्ट का एक हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे
जो ब्रेस्ट है वो किसके ऊपर होती है, वो सबक्यूटेनियस जो हमारा फैट है ठीक है उसके ऊपर, सबक्यूटेनियस टिश्यू के ऊपर होती है। सबसे नीचे वाला जो ये पार्ट है ठीक है, ये हमारा क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल ठीक है, ये हमारा क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल है। और इसके ऊपर जो ये कवरिंग होती है, लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, फेशिया ठीक है। ये क्या है, पेक्टोरलिस फेशिया। सबसे नीचे क्या है, पेक्टोरलिस मेजर, उसके ऊपर एक ये फेशिया होती है। फेशिया के ऊपर ये हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ठीक है, किस किस से, ये स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, सबसे पहले इधर निप्पल है ठीक है, निप्पल से ये लैक्टोफेरस जो डक्ट है वो स्टार्ट होती है। और जो लैक्टोफेरस डक्ट है ये थोड़ा एनलार्ज होके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला ठीक है। और ये एम्पुला में ही क्या है, जो मिल्क स्टोर होता है, एम्पुला है। इसके बाद ये जो डक्ट है फर्दर आगे, डक्ट आगे को बढ़ती है, ये डक्ट है, इधर से फिर ये स्मॉल डक्ट आती है, स्मॉल डक्ट के बाद ये क्या है, एल्वियोलाई ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई है ठीक है, और इसके बाद फिर ये आगे और एक्सटेंड होता है, और इसके बाद हमारे ये लोब्यूल्स होते हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, जो लोब्यूल सिस्टम है इससे, एल्वुलस से ठीक है। और ये जो हमारे डक्ट्स हैं, डक्ट्स ये सारा मिलके हमारा क्या बनाते हैं, मेमोरी ग्लैंड ठीक है। तो ब्रेस्ट में कौन सा होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है। तो इन्हीं डक्ट्स से और इन्हीं लोब्यूल से हमारा क्या है, ये ग्लैंड बनता है। तो ईच जो ब्रेस्ट है उसमें 15 से लेके 20 जो है लैक्टोफेरस डक्ट होती हैं, इस तरह की डक्ट होती हैं ठीक है। और हमारा जो इसमें ब्रेस्ट के अंदर जो हमारा कूपर्स लिगामेंट ठीक है, कूपर्स लिगामेंट है वो बीच बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है। ये हमारे इधर क्या है, ये लिगामेंट क्या करता है, सपोर्ट का काम ठीक है। ब्रेस्ट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ठीक है। और बीच में इधर क्या है, सबक्यूटेनियस फैट दिख रहा होगा। तो ये इस तरह का हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है। और एल्वुलस के ऊपर हमारे कौन से सेल होते हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स ठीक है। तो आपको ध्यान देना है लैक्टोफेरस डक्ट पे ठीक है, जो यहाँ से राइज होते हैं निप्पल से, एनलार्ज होकर एम्पुला में बनते हैं, एम्पुला में हमारा मिल्क स्टोर होता है। उसके बाद ये डक्ट है, डक्ट से फिर इधर साइड में ये एल्वुलस निकल जाते हैं। एल्वुलस के अंदर क्या है, एल्वुलस के ऊपर क्या होते हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं ठीक है। इसी के ऊपर हमारे मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं ठीक है। और ये हमारे सबसे नीचे जो होती है वो कौन सी मसल होती है, यहाँ पे पेक्टोरलिस जो है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो हमारा जो स्ट्रक्चर की बात हो गई, अब है फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन ठीक है। लिगामेंट कौन सा होता है, यहाँ पे कूपर्स लिगामेंट ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, जो लैक्टेशन का जो प्रोसेस है, किस तरह से मिल्क प्रोड्यूस होता है, किस तरह से सीक्रेट होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें चार फेज होते हैं। फर्स्ट जो फेज होता है वो होता है हमारा मैमोजेनेसिस, मैमोजेनेसिस ठीक है। दूसरा है हमारा लैक्टोजेनेसिस, थर्ड ग्लैक्टोकाइनेसिस, और लास्ट है हमारा ग्लैक्टोपोएसिस ठीक है। तो ये चार हमारे फेज़ होते हैं लैक्टेशन प्रोसेस में। फर्स्ट जो हमारा फेज़ होता है ठीक है, इसमें हमारा मैमोजेनेसिस, मैमोजेनेसिस में नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे किसकी ग्रोथ होगी, मैमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ होगी ठीक है। जो हमारे मैमरी ग्लैंड्स पड़ा, मैमरी ग्लैंड्स क्या है, जो हमारे लोबुलर स्ट्रक्चर है, लोब्यूल्स हैं, डक्ट्स हैं, इन्हीं से बन के हमारा क्या होता है, जो मैमरी ग्लैंड बनता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड ठीक है, मतलब लोब्यूल्स, लोबुलर और जो है डक्टल सिस्टम यहाँ पे बनता है, उसकी ग्रोथ होती है ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैमोजेनेसिस। तो ये जो मैमोजेनेसिस प्रोसेस है ये कब होता है, कि जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन, प्रेगनेंसी के टाइम ही ये जो है फर्स्ट फेज हो जाता है, मींस डेवलपमेंट मैमरी ग्लैंड्स का हो जाता है जब मदर प्रेग्नेंट होती है ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम ही ये प्रोसेस, जो फर्स्ट जो फेज़ है वो हो जाता है। सेकेंड हमारा लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस में जो रोल इम्पॉर्टेंट मेन रोल प्ले करता है वो होता है हमारा प्रोलैक्टिन ठीक है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है। तो ये क्या करता है कि जैसे ही मदर की बॉडी में जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन का जो हार्मोन्स है उसका लेवल कम होता है, तो ये प्रोलैक्टिन इन यहाँ पे कहाँ पे
अल्वुलस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मिल्क को बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल मदर के अंदर कम होता है तो प्रोलैक्टिन अपनी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। प्रोलैक्टिन का जो मेन फंक्शन क्या है, मिल्क को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो मिल्क प्रोड्यूस कहाँ करेगा, इन अल्वुलस और ये डक्ट्स के अंदर मिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैक्टोजेनेसिस, मीन्स मिल्क को प्रोड्यूस करना, लैक्टोजेनेसिस। लैक्टो वर्ड हमारा मिल्क से आता है, जेनेसिस मीन प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, हमारे प्रोलैक्टिन और उसके साथ जो ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा ग्लैक्टोकाइनेसिस। ग्लैक्टोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो जैसे इसमें एक प्रोसेस आता है, वो कौन सा है, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। ठीक है, इसमें मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे बेबी सक करता है, सकलिंग प्रोसेस करता है, मीन्स वो मदर की जो ब्रेस्ट है वहां से अटैच होता है। ठीक है, तो सकलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वहाँ से जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएंगे, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट करवाएगा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करवाएगा। ऑक्सीटोसिन अब क्या करेगा कि जो अल्वुलस के अंदर मिल्क प्रोड्यूस हो चुका है, सेकंड फेज में हमने क्या पढ़ा था, प्रोलैक्टिन ने मिल्क प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, अल्वुलस के अंदर, तो जो ऑक्सीटोसिन है अल्वुलस के ऊपर जो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि जो मिल्क अल्वुलस और डक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है वो कहाँ पर सिक्रेट हो जाएंगे, वो यहाँ से निकल के एम्पुला में आ जाएगा। ठीक है, तो एल्वुलस से और डक्ट से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ऑक्सीटोसिन ने इनको कॉन्ट्रैक्ट किया तो मिल्क यहाँ पे एम्पुला के अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे एम्पुला में यहाँ पे मिल्क स्टोर हो गया, और तो फिर एम्पुला में स्टोर होने के बाद जो बेबी है वो वहाँ से मिल्क को सक कर सकता है, सकलिंग प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा, या फिर अगर मदर को मिल्क एक्सप्रेस करना है तो यहाँ से मदर मिल्क एक्सप्रेस भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से जो हमारा इस जो रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। ठीक है, और ये इसके लिए जो ग्लैक्टोकाइनेसिस है, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, ऑक्सीटोसिन। इसलिए ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, ग्लैक्टोकाइनेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ग्लैक्टोकाइनेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारा ग्लैक्टोकाइनेसिस हो गया। लास्ट हमारा ग्लैक्टोपोएसिस। ग्लैक्टोपोइसिस में बस सिंपल इतना ही है कि जैसे जो हमारा ग्लैक्टोपोइसिस, इस पोइसिस में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, इसलिए प्रोलैक्टिन को हम क्या बोलते हैं, ग्लैक्टोपोइटिक हार्मोन बोलते हैं, ग्लैक्टोपोइटिक हार्मोन। तो ग्लैक्टोपोइटिक हार्मोन प्रोलैक्टिन हो गया। ग्लैक्टोकाइनेटिक जो हार्मोन है वो हमारा क्या है, ऑक्सीटोसिन। काइनेटिक मीन्स सिक्रीट करवाना, पोइटिक मीन्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लो, जो प्रोड्यूस करता है वो होता है प्रोलैक्टिन और जो सिक्रीट करवाता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में। तो ग्लैक्टोपोइसिस में क्या है कि कंटिन्यू जो है प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन है एक इफेक्टिव वे में होता रहे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि कंटिन्यू सकलिंग जो प्रोसेस है बेबी को, मीन्स कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड करवाना जरूरी है। अगर बेबी ब्रेस्ट फीड करता रहेगा तभी ब्रेस्ट से क्या है कि मिल्क बाहर जाएगा, इजेक्ट आउट होगा और जो है प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कब बनेगा, जब जो है सकलिंग प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, ब्रेस्ट फीड का जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहे तो प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन भी होगा और जो ब्रेस्ट है वो एम्प्टी भी साथ साथ होती रहेगी, जिससे जो ब्रेस्ट एंगोजमेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो मदर को नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो फेजेस हैं ये कंटिन्यू होते रहते हैं। तो हमारी फेजेस ऑफ लैक्टेशन हो गए, हमने स्ट्रक्चर देख लिया थोड़ा। अब हमारे आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो मिल्क के हमारे जो टाइप्स हैं, फर्स्ट जो है मिल्क हमारा वो होता है कोलोस्ट्रम। ठीक है, कोलोस्ट्रम क्या है, कोलोस्ट्रम बेबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये किस तरह का फ्लूड होता है, सीरस येलोइश अल्कलाइन फ्लूड। ठीक है, कैसा फ्लूड है, टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स में फर्स्ट है कोलोस्ट्रम। ठीक है, कोलोस्ट्रम कैसा होता है, एक थिक
सिरस और येलोइश फ्लूड होता है, और ये कब सिक्रीट होता है? फर्स्ट 3 डेज में, ठीक है, फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज कोलोस्ट्रम सिक्रीट होता है येलोइश थिक येलोइश अल्कलाइन अल्कलाइन सीरस फ्लूइड है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, रिच इन प्रोटीन प्रोटीन एंड इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? IgA, ठीक है। तो ये जो हमारा कौन प्रोटीन रिच होता है और हमारे इम्यूनोग्लोबिन रिच होता है, इम्यूनोग्लोबिन IgA। नेक्स्ट होता है विटामिन ए डी ई के ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉम। तो कोलेस्ट्रॉम फर्स्ट जो मिल्क होता है जो सिक्रीट होता है, पहले 3 दिन कोलेस्ट्रॉम सिक्रीट होता है, उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क आता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? येलोइश पीले रंग का होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। और अल्कलाइन नेचर का होता है, प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन इसके अंदर होते हैं, विटामिन ए डी के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉम के बाद कौन सा आएगा? ट्रांसिजनल मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसिजनल मिल्क, ट्रांसिजनल मिल्क हमारे आफ्टर 3 डेज से 2 वीक्स तक होगा, ठीक है। ट्रांसिजनल मिल्क आफ्टर 3 डेज टू 2 वीक्स, ठीक है, 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। तो कौन सा मिल्क होता है? ट्रांसिजनल मिल्क। कोलेस्ट्रॉम हमारा प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन में रिच था, और ये किस में रिच होगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट में, कार्बोहाइड्रेट और फैट में। और जो प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबिन है वो उसका कंटेंट है वो कम होता है, और ज़्यादा किस में होता है? क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। नेक्स्ट इसमें जो ट्रांसिजनल मिल्क के बाद हमारा आता है मेच्योर मिल्क, मेच्योर मिल्क, मेच्योर मिल्क कब होगा? आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स जो मिल्क सिक्रीट होता है वो हमारा मेच्योर मिल्क आएगा। और इसमें इट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन इक्वल अमाउंट, ठीक है, ऑल न्यूट्रिएंट्स बराबर प्रेजेंट होते हैं, इन इक्वल प्रोपोर्शन या फिर इन इक्वल अमाउंट इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, और फैट भी इक्वल उसमें अमाउंट में होंगे, विटामिन भी सभी चीज़ इसमें इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेच्योर मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है फोर मिल्क, ठीक है। फोर मिल्क के जैसे नाम से पता चल रहा है कि फोर मिल्क मीन्स जो मिल्क स्टार्टिंग में सिक्रेट होता है, मीन्स जैसे ही मदर ने ब्रेस्ट फीड करवाना स्टार्ट किया जो सबसे पहले जो मिल्क आता है उसको हम क्या बोल देते हैं? फोर मिल्क बोल देते हैं। और ये जो बच्चे की क्या थ्रस्ट नीड को पूरा करता है, थ्रस्ट नीड को पूरा करता है, और ये प्रोटीन रिच होता है, ठीक है, प्रोटीन रिच होता है, विटामिन रिच होता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है? फोर मिल्क। एक और होता है हाइंड मिल्क, ठीक है। हाइंड मिल्क क्या होता है? जो ब्रेस्ट फीड जैसे हम स्टार्ट किया फिर आ गया फोर मिल्क, ठीक है, और जैसे एंड होने लगता है मीन्स एंड में जो मिल्क आता है उसको क्या बोलते हैं? हाइंड मिल्क, जो बच्चे की हंगर नीड को पूरी करता है, हंगर नीड या फिर स्टाइटी बोल देते हैं, मीन्स भूख की नीड को पूरा करता है और इधर प्यास की नीड को पूरा करता है, ठीक है। तो हंगर नीड हाइंड मिल्क पूरा करता है जो लास्ट में सिक्रीट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट इसके अंदर होता है हाइंड मिल्क के अंदर। तो ये सारे हमारे कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क हैं, ठीक है, कौन कौन से हो गए? हमारा सबसे पहला कोलेस्ट्रॉम पढ़ा था हमने, फिर उसके बाद ट्रांसिजनल,
फिर मेच्योर मिल्क और फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमने ये जो है मिल्क पढ़ लिए। अब हमारे तो टेक्निक की बात आ जाती है कि किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से करवाया जाता है। टेक्निक में सबसे पहले जो वंस अ डे मीन्स एक बार दिन में मदर को बोला जाता है कि वो ल्यूक वॉर्म वाटर से मीन्स बिल्कुल गुनगुने पानी से ब्रेस्ट को क्लीन करे। ठीक है, और उसके बाद हैंड वॉशिंग के बाद ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना स्टार्ट करें। ब्रेस्ट फीड है जो बच्चे को दूध पिलाना, वो सीटिंग पोजीशन भी कर सकते हैं और लाइंग डाउन जो है लेट के भी करवा सकते हैं और बैठ के भी करवा सकते हैं। ठीक है, और जो मदर है स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। ठीक है, किसी तरह का जो तनाव है उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए जो कुछ साइन, जैसे बच्चे को उसने ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए स्टार्ट किया तो कुछ गुड अटैचमेंट किस तरह से मीन्स किस तरह से अच्छे से वो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए को देखना चाहिए कि जो उसका जो लोअर लिप है, ठीक है, नीचे वाला जो होठ होता है वो रोल डाउन होना चाहिए, वो मुड़ा होना चाहिए, और उसका जो चिन है, बच्चे का चिन है वो ब्रेस्ट को टच करा होना चाहिए। ठीक है, और जो एरोला पार्ट है, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ द एरोला पार्ट, ज़्यादातर भाग जो एरोला का वो बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये सारे साइन होते हैं हमारे गुड अटैचमेंट की, हमें पता चलता है कि बच्चा अच्छे से अटैच है। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस है वो अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो पोजीशन की भी बात कर ली, टेक्निक हो गया, अब हमारे इसमें जो इसकी बात कर लेते हैं हम कि जो ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद जो हमें बर्पिंग, ठीक है, मदर को क्या करवानी है करना चाहिए, बर्पिंग। बर्पिंग क्या होता है कि जैसे एक्सपेलिंग ऑफ एयर, ठीक है, बच्चा एयर भी अंदर ग्रेस्प कर लेता है, अंदर ले जाता है जब ब्रेस्ट फीड करता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चे को पीठ के बल से उसको टैप जो है पैटिंग करना चाहिए, थोड़ा थपथपा दें, ठीक है, ताकि जो एयर है वो बाहर आ जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्पिंग। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है ब्रेस्ट फीडिंग का, टेक्निक हमने पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद हमारा कंपोजिशन बचता है ब्रेस्ट मिल्क का, और इसके क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज क्या है, और किन केसेस में हमें ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना करने देना चाहिए मदर को, वो हम इसमें बच जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज की क्लास में हमने इसका जो फिजियोलॉजी है लैक्टेशन का वो पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ मिल्क पढ़ लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।